डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देशन में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के पीएचडी स्कॉलर गौतम कुमार और राधा गोविंद विश्वविद्यालय रामगढ़ के द्वारा भेंगाबाद के खंडोली स्थित वेटलैंड की स्थिति को जानने के लिए खंडोली जलाशय से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें जेम्स लैब राज्य के द्वारा टेक्नीशियन अभिषेक सिंह ने पानी की स्थिति को पता करने के लिए 35 पैरामीटर पर इसकी जांच शुरू की एवं यहां आने वाले वाटर वर्ड का रिलेशन भी निकाला जाने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान खंडोली जलाशय का डीओ 1.8 और पीएच मान 3.8 पाया गया। इस दौरान पीएचडी स्कॉलर गौतम कुमार ने कहा कि इसके बाद तिलैया, तोपचाची, पतरातू, छड़वा एवं गोड्डा जलाशय से भी पानी का सैंपल लिया गया, जिसमें शोध के दौरान 6 जलाशयों को मिलाकर वाटर वर्ड की संख्या 70 से 80 के आसपास पाई गई। बताते चले कि भेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पर्यटन स्थल खंडोली, जहां पर पीएचडी स्कॉलर के गौतम कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश आदि के द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान कई तरह की बातें भी निकल करके सामने आई। इधर इस दौरान डॉक्टर सत्य प्रकाश एवं जूलॉजी के पीएचडी स्कॉलर गौतम कुमार ने कहा कि जरूरत है लोगों को अपने पानी पर, अपने घर के पानी जो पी रहे हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की कि आखिर कौन सा पानी आप प्रयोग कर रहे हैं। कहा कि जीवन में जल एक ऐसा चीज है जिसकी जांच जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है और गुणवत्ता भी होना उसमें जरूरी है। कहा कि कई लोग और कई तरह की बीमारियां पानी से ही उत्पन्न होती है, अगर पानी सही नहीं है तो निश्चित रूप से हम बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की और कई अहम बिंदुओं पर आपस में चर्चा भी किया, उपस्थित लोगों को कहा भी कि पानी जब भी पिए, स्वच्छ पिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस दौरान लोगों को देखने के लिए भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। इधर इस दौरान अलग तरीके से जांच भी किया और जांच करते हुए वीडियो भी ली गई। भेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जी, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।